हुणा तुई कहाणी, निर्दयी दासै री कहाणी। एक रोज़ पतरसै यीशु न पुछ़ू, ओ मालिक, मुंबै आपणै भाई बै केतरी बारी माफ केरना चाहिए ज़ैबै सौ मेरै खिलाफ़ पाप केरा सा? कि सौत बारी तकर? यीशुऐ बोलू, सौत बारी नहीं पर सौतै रै 70 बारी। यीशु रा मतलब सा कि आसा बै हमेशा माफ केरना चाहिए। तैबै यीशुऐ कहाणी दसी। यीशुऐ बोलू, परमेश्वरा रा राज्य एक राजा साई सा जो अपने दासा न लेखा लेना चाहती। तेरा एक दास 10,000 वर्षा री मजदूरी रे एक बड़े कर्जा रा कर्जदार थी, पर सौ दास अपने कर्जा वे चुकाई नहीं पाओ। तैबै राजे बोलू, ऐ रा कर चुकाने री तैयें ऐ मानु बे होर ऐ रे टबरा बे दासा रे रूपा न बेचा। तेई दासै राजा रे सामने अपने घुटने रे बाले टुमले पड़िए बोलू, जीवाण मूँ संगे धीरज रख और मूँ अपने ऋणा रा पूरा भुगतान केना। राजै दासै पैंधे दया केरी, तैबै तेइयै तेइरै सारे ऋण माफ केरे होर सौ जाणै धिना। पर ज़ैबै सौ दास राजै आगै न बाहरै नौठा ता तेइयै तेइरा एक सेंगी ढौकू होर बोलू, जो तो पैंधै मेरा ऋण सा मुंबै तेइरा भुगतान केर। तेई सेंगी दासै घुटने टेकिया बोलू, जीवाण केरिया मूँ संगै धीरज रख होर मूँ अपने ऋणा रा पूरा भुगतान केना। जो किछ हुआ ती सौ सब किछ होरी दासे हेरू होर ते परेशान हुए ते राजे आगै नौठे हो तेई वे सब दसू। राजे तेई दासा वे शादिया बोलू, ओ दुष्ट दास, मैं तेरा ऋण तैबै माफ केरू ती किबकि तैं मूँ संगै अर्ज केरी ती, तैं भी तेंडा केरू लोड़ी। राजा इतरा झिकुआ कि तेइयै सौ दास कैद खाने न पाऊ जैबै तक कि सौ अपने सारे ऋणा रा भुगतान नहीं केला। तैबै यीशुऐ बोलू, मेरा स्वर्ग न रहणु आला बापू तुसा मौंझै न सभी संगै ऐंडा केरला अगर तुसै अपने भाई बै अपने दिला न माफ नहीं केरदै।